नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनजी ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो अगर हम आईपीओ देखें तो यह 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच खुलने जा रहा है और कंपनी जो आईपीओ का प्राइस बैंड लेके आई है वो 456 रुपये से 480 रुपये का लेके आई है, जिसमें आपको एक लोट में 31 शेयर मिलेंगे। और कंपनी आईपीओ का टोटल इशू साइज़ देखें तो वो 1100 करोड़ रुपए का है, जिसमें 850 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए और बचा हुआ 250 करोड़ रुपए कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना हिस्सा मार्केट में बेच रही है। तो 13 सितंबर के दिन आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट पता लगेगा और 16 सितंबर के दिन आपको रिफंड मिल जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट मिलेगा 16 सितंबर के दिन ही शेयर उनके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे और 17 सितंबर के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो इसके नाम से ही क्लियर है, यह कंपनी ज्वेलरीज बनाने का काम करती है, जिसमें कंपनी गोल्ड की ज्वेलरियां, सिल्वर, प्लेटिनम और डायमंड की ज्वेलरीज बनाती है। और कंपनी का जो ब्रांड है वो पीएनजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कंपनी के टोटल मेनली 8 सब ब्रांड्स हैं, जिसमें कंपनी गोल्ड ज्वेलरियां बेचती है। जो नेम है वो है सप्तम, स्वराज्य, रिंग ऑफ लव, द गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्टमैनशिप, फ्लिप, लाइफस्टाइल, प्रथा एंड योद्धा। कंपनी के कुछ सब ब्रांड्स भी हैं जिसमें कंपनी डायमंड की ज्वेलरियां बेचती है, उनके नाम है एलिना एंड पीएनजी सोलिटेर। और कंपनी के अदर दो ब्रांड्स और हैं जिसमें कंपनी प्लेटिनम की ज्वेलरियां बेचती है, उनके नाम है मैन ऑफ प्लेटिनम एंड एवरग्रीन लव। अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी के टोटल 33 स्टोर हैं, जिसमें से 32 स्टोर कंपनी के केवल महाराष्ट्र और गोवा में ही हैं और एक स्टोर कंपनी का यूएस में भी है। 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी में टोटल 1152 एम्प्लॉई हैं। हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने 2022 में 2586 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया था, 2023 में वही बढ़ के 4559 करोड़ रुपये हो गया है, और 2024 में कंपनी ने 6119 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया था। तो कंपनी का रिवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है। अगर उसको लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो कंपनी के रिवेन्यू में 34% की जंप नजर आ रही है। वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 59 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़ के 93 करोड़ रुपए और 24 में कंपनी ने 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। अगर इसको साल दर साल कंपेयर करें तो इस कंपनी के प्रॉफिट में 65% की जंप नजर आ रही है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो 2024 के अकॉर्डिंग कंपनियां को यहां रिजर्व का डाटा भी नहीं दिया गया है। कंपनी के ऊपर 396 करोड़ रुपए का कर्जा है। हम कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी देख लेते हैं, जिसमें आज के अकॉर्डिंग कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 6500 करोड़ रुपए की है, और कंपनी के ऊपर जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.74 का है। कंपनी के ऊपर जो मेनली डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर एक से ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी ख़राब माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का ना ज़्यादा अच्छा है और ना ही ज़्यादा बुरा। तो कंपनी जो ये पैसा रेज कर रही है उस पैसे का यूज कंपनी कहाँ करेगी वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी अपने 12 नए स्टोर खोलने जा रही है महाराष्ट्र में ही, तो उसके लिए इस पैसे का यूज करेगी, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है कंपनी उसकी पेमेंट करने के लिए भी इस पैसे का यूज करेगी, और कुछ पैसे का यूज कंपनी जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए भी करेगी। वहीं अगर हम इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आज के दिन जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 234 रुपये का चल रहा है, मतलब कि टोटल जो जीएमपी अभी चल रहा है वो 48% का चल रहा है। 10 सितंबर से ये आईपीओ स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी तेजी देखने को मिले। तो अगर हम इस कंपनी का जो फंडामेंटल अभी देखने के बाद हम एक ये चीज़ कह सकते हैं कि कंपनी जो काफ़ी डिसेंट है, अगर हम ये देखें कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी कंपनी का चल रहा है वो लगभग 50% के आसपास चल रहा है। तो आईपीओ अप्लाई करने के लास्ट डे तक अगर कंपनी का ग्रे मार्केट 50% या उससे अधिक ही रहता है तो आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गेन के लिए मेरे को कंपनी इतनी अच्छी अभी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।